Leave. June had only one thought in her mind now, how to get a tiger's whisker. Abhi June ke dimaag mein sirf ek hi baat thi living tiger ka whisker laaya kaise One night she gathered her courage and crept out of the house. She went to a mountainside which was supposed to be the tiger's abode. Wo रात के टाइम पे मतलब कि एक दिन ऐसा हुआ कि उसने अपनी सारी हिम्मत इकट्ठा की और रात को ऐसी जगह पर जहाँ गई जहां पर वो टाइगर की अबोर्ड मतलब उसका वो जो जहां पर रहते हैं वो प्लेस था देयर शी वेंट नियर अ टाइगर केव एंड हेल्ड आउट सम मीट एंड राइस वो टाइगर की गुफा के पास गई एंड बाहर उसने कुछ मीट और राइस रखा शी रिपीटेडली कॉल्ड बट द टाइगर डिड नॉट कम आउट टायड जोन केम बैक उसने टाइगर से रिक्वेस्ट भी किया पर टाइगर ने तो जोन की एक न सुनी और अंत में थक हार के जून वापस आ गई द नेक्स्ट नाइट जोन वेंट अगेन शी वॉज दिस टाइम अ फ्यू स्टेप क्लोजर टू द डेन वो थोड़ा और पास गई गुफा के द टाइगर एट बिकम फेमिलियर विथ हर वॉइस तो टाइगर तो पहचान गया कि ये तो वही इकल वाली औरत है इट पीप्ड आउट ऑफ द केव बट डिड नाट स्टेप आउट इन स्पाइट ऑफ द मीट शी ऑफर्ड अभी टाइगर भी बड़ा चलाक था टाइगर ने केव के बाहर मुँह तो निकाला बट बाहर नहीं आया भले वहाँ पर जून उसके लिए बहुत सारा मीट लाई थी फिर भी टाइगर बाहर नहीं आया Each night June came closer and closer to the den, and the tiger became accustomed to her call. अब तो टाइगर को भी उसके आवाज की आदत पड़ गई थी, पहचान गया था, फैमिलियराइज हो गया था। Eventually one night the tiger stepped out and came to June. He ate the meat and rice while June spoke softly and in soothing tone to him. और एक दिन finally इतनी सारी प्रिपरेशन और इतनी मेहनत करने के बाद फाइनली जून सक्सीडेड जो टाइगर था इट केम आउट ऑफ द डेन इट टुक द मीट एंड द राइस एंड देन जून वॉज देयर टू से वॉट शी वॉन्टेड फ्रॉम टाइगर एंड शी सेड इन अ पोलाइट मैनर दिस बिगेन टू हैपन ईच नाइट और ऐसा रोज होता रहा टू मंथस लेटर जून वॉज एबल टू रन हर हैंड जेंटली महीने के बाद हल हो गया जून जो है वो टाइगर का सिर के ऐसे हाथ फैला सकती थी बिना किसी डर के जैसे कि वो जो टाइगर है उसका पेट बन गया हो इस, इस तरह देन वन नाइट शी ऑन सेड ओ जनरस टाइगर वुड यू पार्ट विथ अ विस्कर फॉर मी और उसने एक दिन बोला कि महान टाइगर दिलर दिल के टाइगर नेक दिल के टाइगर क्या आप मुझे आपका एक विस्कर देंगे प्लीज डू नॉट बी फ्यूरियस और प्लीज़ आप मुझे डराना मत या मुझ पर अटैक मत करना द वाइल्ड एनिमल्स टूड स्टिल वाइल्ड जोन पुल्ड आउट अ विस्कर और जून की बात टाइगर ने ऐसे मानी कि जून के सामने टाइगर एकदम ऐसे शांति से बैठ गया और जून ने बड़ी आसानी से और बड़ी शांति से टाइगर को बिना चोट पहुंचाए विस्कर ले लिया बाय नाव ही न्यू हर वेल क्यों क्योंकि टाइगर है वो जून को अच्छे से पहचान गया था सो ही अलाउड हर टू डू सो वैसे यहाँ पर इट होना चाहिए with the tightly clutched whisker in his in her fist june ran to the hermit like a doe among the bushes or जैसे एक हिरनी जो होती है वो अप, आ, कैसे तेज भागती है वैसे ही जून अपनी मुट्ठी में विस्कर को पकड़कर भागी कहां hermit के पास she flew over the rocky path like an eagle एंड विद नो टाइम शी वॉज एट द हर्मिट्स डोर अभी वो जैसे एक ईगल की तरह उड़ी एंड थोड़ी ही देर में वो हरमिट के पास दरवाजा खटखटाने लगी और बोली ओ हरमिट द लर्निड वन नाव यू कैन मेक योर वंडरफुल पोर्शन टू क्योर माई हसबेंड डिसेंचमेंट जून क्राइड डिटर्मिनेशन कैन मेक इंपॉसिबल टास्क पॉसिबल थॉट द हर्मिट ही पिकडअप दिस्कर ऑब्जर्व इट क्रिटिकली एंड देन ही देखा कि अगर आपने ठान ही लिया है तो आप कुछ भी कर सकते हो और वो जून ने वो साबित करके दिखाया और हरमिट uh, ने जून के हाथ से वो विस्कर लिया और आग में डाल दिया द विस्कर विस्कर तो जल के राख बन गया द वुमेन वॉज अगास्ट वो ये देख के एकदम चौक गई उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर हरमिट ने ऐसा क्यों किया विड ओपन एंड एंग्विज ऑन हर फेस शी सेट ओ सर वाई हैव यू डन दिस और अचानक से उसके मुंह से ये निकल गया ये सीन देख कर जून ने पूछा कि बाबा जी आपने ऐसा क्यों किया टेल मी हाव यू अप हैव यू ऑप्ट हर्मिट कमांडेड तो हर्मिट ने बोला कि पहले आप मुझे बताओ कि आपने ये विस्कर कैसे हासिल किया सॉबिंग बिटरली जून रिकाउंटेड हर टेल रोते रोते और आंसू पोछते पोछते जून ने अपनी सारी बात बताई कि कैसे उसने दो महीने तक टाइगर के साथ दोस्ती कर ली और कैसे बड़ी मुश्किल से ये विस्कर उसे मिला I went to the dense mountain side risking everything for a whisker. There I found a tiger. It was a fierce animal yet I went it to every day with a bowl of rice and meat. I gained confidence and befriended it. मैं रोज जाती थी मैं रोज उसके लिए मीट और एक कटोरी राइस लेकर जाती थी धीरे धीरे हम दोस्त बन गए वेन इट केम क्लोज टू मी आई कैरेस्ट इट जब मेरी आवाज़ सुनकर मेरी आवाज़ से फेमिलइज होकर जब टाइगर मेरे पास आता था तो मैं उसकी केयर करती थी उस, आ, उससे अच्छे से बातें करती थी आफ्टर टू मंथ्स ऑफ दिस द टाइगर डिड नाट माइंड माई टेकिंग अ विस्कर बिकॉज आई हैड ऑलमोस्ट टेम डिट थ्रू माई सॉफ्टनेस एंड अफेक्शन और दो महीने के बाद टाइगर ने टाइगर को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई उसने खुशी खुशी अपना विस्कर मुझे लेने को दे दिया क्यों क्योंकि मैंने टाइगर को अपने प्यार से अप, और अपनी मीठी मीठी बातों से और अपने प्यार से पोलाइटनेस से मैंने उसे अपने वश में कर लिया था ऑल दिस वॉज अचीवड नॉट विदाउट डिफिकल्टी एंड रिस्क इसमें रिस्क बहुत था बट ऑल इज इन वेन नाव यू हैव रोइंड माई एंटायर एफर्ट एंड जून बर्स्ट इन टू टीय अगेन और जून ने बोला कि आपने मेरी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया और वो और फूट फूट के रोने लगी द हर्म इट हर्ड आउट देन जेंटली सेड नो नो आई हैव नॉट रोइंड एनी थिंग द विस्कर इज नो लॉन्गर नीडेड पोजिशन साधु ने कहा कि मैंने कुछ बर्बाद नहीं किया अब विस्कर की भी जरूरत नहीं है और पोषण की भी जरूरत नहीं है आई वॉन्ट टू आस्क यू अवेशन इज अग मोर फियर्स एंड अनप्रिडिक्टेबल देन अ टाइगर जून आप मुझे ये बताओ कि टाइगर से भी खतरनाक है क्या इंसान क्या इंसान की बात आप नहीं समझ सकते टाइगर को तो बड़ी जल्दी समझ लिया आपने

और अगर आप टाइगर का दिल जीत सकते हो तो आप अपने हस्बैंड का भी दिल आसानी से जीत सकते हो द मैजिक इज इन जेंटलनेस जादू मुझ में नहीं है जादू किस में है काइंडनेस में जेंटलनेस में जून वर्स डम स्ट्रक वो तो एकदम दंग रह गई चुपचाप। बट देर वॉज एन एनलाइटमेंट इन हर हार्ट उसके दिल में एक ऐसी ज्योत जली एक लाइट हुई शी ट्रेजर ट्रेजिट पर्ल ऑफ वेस्टर्म एंड प्रिंटेड बैक होम उसने देखा कि हर्मिट जो है उसकी महानता से वो इतनी प्रभावित हुई वो गई अपने घर शी एड रियलाइज दैट द मैजिक पोर्शन वॉज विद इन हर एंड शीड डिसाइटेड टू पुट इट टू यूज नाव अब वह पहचान गई है कि जादू तो उसके खुद के अंदर है उसकी पोलाइटनेस और जेंटलनेस में है एंड नाव शी डिसाइडेड दैट शी इज गोइंग टू यूज द सेम फॉर हर हजबेंड एंड फॉर द एंटायर फैमिली एंड यही सब चीज़ें एक पोएम के फॉर्म में यहाँ पर दी गई है इन्जॉय रीडिंग दिस पोएम एंड एंजॉय रीडिंग द प्लान ऑफ एक्शन एंड बेस्ड ऑन दैट